यार बॉय सो मोर, आज के इस वीडियो में हम खेलेंगे फिर से एक बार माइनक्राफ्ट। तो मैंने हु इज बिन वो ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज बीच में किए थे और फिर से हम माइनक्राफ्ट सीरीज के साथ फिर से आ चुके हैं। तो ये घर अब हमारा नहीं रहा, आप देख सकते हो मैंने शिफ्ट कर दिया है मेरे दूसरे नए घर में। वो अभी तक उसका दूसरा फ्लोर अभी तक हुआ नहीं है और बहुत कुछ बाकी है इसमें अभी करना। बहुत मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया और मुझे आपको एक सरप्राइज़ दिखाना था। ओके ये सरप्राइज़ नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मत देखना। चिकन पिग का शीप सबका फार्म शुरू हो गया है और पहले तो मुझे आपको एक सरप्राइज़ दिखाना है गाइस। तो मैंने अभी रात की है, पहले सो लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं उठ के आपको नेक्स्ट सुबह सरप्राइज़ दिखा दूँगा। गुड नाइट गाइस। गुड एक मिनट, गुड मॉर्निंग हुई नहीं है, मैं उठा कैसे? पर ओके ये और दो पपीज़ हमारे पास ने आ चुके हैं। मैंने बहुत कुछ किया क्योंकि मैं आपके सामने करता रहा को आपको बोर होगा। मुझे डायमंड्स भी मिले थोड़े। या अभी तक सुबह क्यों नहीं हुई रे, ऐसे कैसे? ग्लिच टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ कुछ तो आ चुकी है गाइस। और गाइस अब मैं जो सरप्राइज़ दिखाने जा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये देखो आइटम फ्रेम्स में मैंने डायमंड सॉर्ड और वो भी रख दिया मेरा। तो सरप्राइज़ ये है कि मैंने एक ऑटो व्हीट फार्म किया है जो बहुत बढ़िया है। मैंने वर्किंग होता है या नहीं पता नहीं पर दिखने तो बहुत बढ़िया। और ये रहा, ओके सीड कल टूट गई थी इसलिए मैंने फिर से रिप्लेस किया। अब देखो ये डिस्पेंसर में वाटर बकेट्स रख दिया है, इससे पानी मैंने बटन दबाने पर पानी आएगा। ये बटन है यहाँ पे तो पानी आएगा, ये सब फ्लश होके हॉपर में जाएगा और यहाँ पे जो चेस्ट है चार चेस्ट इसमें वो ऑटोमेटिकली सब जाएगा। ओके मैंने अभी बीट रूट्स भी रखे हैं वहाँ पे। मैं ट्रायल आपके सामने ही लेना चाहता था, मुझे पता है एक वीट अभी तक ग्रो नहीं हुआ पर अब मैं और वेट नहीं कर सकता। और लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स सी। ओके वर्क 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 प्लीज़। ओके यस गाइस वर्क हो गया। ओके सीड एक नहीं हुआ, फिर से बटन दबाने पर ये ऑटोमेटिकली पानी गायब। सो इससे मुझे वाटर बकेट्स फिर से भरने पड़ेंगे। एक सीड यहीं पर रह गया लॉल। और अब ये देखो व्हीट कलेक्ट हो रहा है अभी भी, पर सीड्स देखो कितने कलेक्ट हुआ। व्हीट आई थिंक सो मैंने कम ही लगाया था, इतना भी नहीं लगाया था क्योंकि बीट रूट्स भी आधे थे। ये देखो बीट रूट्स, यस बहुत बीट रूट्स मिले हमें। मुझे क्योंकि फार्मर से मैंने बहुत ट्रेडिंग की है, 10 एमराल्ड है मेरे पास, 10 यू नो व्हाट 10 गाइस 10। तो मैं थोड़ा थोड़ा अमीर होने लगा हूँ अब इस गेम में। बीट रूट लगाओ भाई, वो उसके लिए भी एमराल्ड दे रहा है क्योंकि अब मैं एक एमराल्ड तो उससे ट्रेड कर पाऊँगा पर एक ही। हाँ ओके वहाँ पे आई थिंक सो डर्ट नहीं खेल लिया। ओके तो ये आज हमें बहुत कुछ चीज़ें क्राफ्ट करनी है जैसे कि आर्मर स्टैंड वगैरह 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 बोलो ब्ला ब्ला ब्ला। और गाइज मैं नेदर में गया था, अच्छा स्पॉन था भाई, डंजन भी मिला था मुझे, डंजन चेस्ट। वहाँ पे ब्लेज भी स्पॉन हुए थे, ब्लेज रॉड्स भी मिला आई थिंक सो यहाँ पे। हाँ देखो ये ब्लेज रॉड भी मिला है पर वो फूट गया, क्रीपर ने फोड़ दिया। मैं आया और थड़ाम गाइज एक लाइफ मेरे लिए बनता है और इस 10 एमराल्ड और 23 डायमंड्स के लिए। ओके 24 हम आर्मर बना सकते पर मैं इतनी जल्दी नहीं बनाऊंगा, पहले तो अब ये बनाओ भाई, हमें ब्लेज पाउडर लगने वाला है। तो आज कुछ कुछ चीज़ें क्राफ्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि अब हम थोड़ा एन्चांटिंग पर जाएंगे। ये थोड़ा ब्लेज पाउडर किया था, अब ग्लास बॉटल्स की बारी आती है। ग्लास बॉटल रेसिपी बुक में नहीं है, ठीक है मैं ही कर देता हूँ। कहाँ गए हमारे ग्लास? एक मिनट, अभी मैंने ग्लास लिया क्या फिर? ओके नहीं लिया मैंने, लॉल मैंने डर्ट लिया इसलिए वो रेसिपी बुक में भी नहीं दिख रहा था। ओके तो फटाफट 9 बॉटल ओके बना लेते हैं, बना दिया आई मीन।
अब मुझे स्मूथ स्टोन ने मैंने स्मूथ स्टोन स्लैब्स किए थे, वो भी यही रखे होंगे मैंने, कि ये सब कंस्ट्रक्शन। ये देखो ये रहे, स्टिक्स है मेरे पास। हाँ ठीक है, आर्मर स्टैंड भी बना लेते हैं दो। फिर सब कुछ बनाना है गाइस, आप सिर्फ लाइक ठोको, किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और ब्रूइंग स्टैंड गाइस, हमारे अब घर में ब्रूइंग स्टैंड आ चुका है, अब ब्रूइंग शुरू होगी हमारी। गाइस बहुत खुश हूँ मैं अब। ये देखो ब्रूइंग स्टैंड लग चुका है, ब्लेज रॉड रख दो भाई, मर चुका ना, वाट लग जाएगी पूरी। अब नेदर पोर्टल में करूँगा, मेरे पास 20 ऑब्सीडियन है वैसे भी, मैं फिर से गया लाया। ब्लेज पाउडर भी रख दो, क्या पता क्या हो जाए, कभी भी हो जाए। और मेरे पास ये दो अब पेट्स भी है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंडर ड्रैगन को भी तो हराना है ना गाइस। ये एन्चेंटिंग बुक मिली थी, ओके मैं बताना भूल गया हूँ कि मुझे एन्चेंटिंग बुक मिली थी यहाँ पे, माइनशाफ्ट कहते हैं उसे, हाँ माइनशाफ्ट कहते हैं। उसमें मुझे Fortune 3 मिली थी, मतलब मैं तबाह हो चुका था। और मेरे साथ एक हादसा भी हुआ, मुझे सिल्क टच भी मिला था, पर वो नहीं कह सकता, आपको पता है कैसे गया वो मेरे हाथ से। स्केलेटन जॉम्बी और एंडरमैन ने मुझ पर रेड ही कर दी, मुझे पता नहीं कैसे, और मैं मर गया। पर मुझे Fortune 3 मिली डिस्पॉन होने से पहले होगी कुछ तो भाई, मैं बच गया उसमें, वरना तो अभी बुरी हालत थी भाई सच्ची में। एक ग्लास बॉटल यहाँ पे रख दो। अब मैं डायमंड आर्मर बनाऊँ क्या? पर एक ग्लास बॉटल चाहिए मुझे भाई, चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा यार। क्या बारिश हो रही है, बारिश यार, बारिश को हम रोक नहीं सकते यार, रोक सकते हैं पर क्रिएटिव में बोर होता है यार ये। बारिश शुरू हुई कि सत्यानाश। ग्लास बॉटल ये मैंने साइड पे पानी भी, ओके मैं क्यों नहीं पिक कर रहा, क्या मुझे सिर्फ एक ही ग्लास बॉटल लगेगी पिक करने के लिए? अब क्यों नहीं हो रहा? ओके गाइस पिक हो गया। मुझे पता चला कि कहाँ से पिक करना है इसे, यहाँ से पिक किया था मैंने। हाँ हो रहा है देखो। अब ये भी तीन तो मैं अभी कर ही लूँगा। ओके तीन वाटर बॉटल्स हमारे पास हो गया है। और अब मैं धीरे धीरे पावर रेल्स और मैंने माइनशाफ्ट से इकट्ठा किए थे थोड़े, तो मैं अब विलेजर्स को मेरे यहाँ पे लाके लेक्टन, मैं लेक्टन बना सकता हूँ आई थिंक सो। अच्छा आइडिया दिया यार, बहुत अच्छा आइडिया था ये। चलो वाटर बॉटल अभी के लिए तो रख दो, बाद में यूज़ ही करने हैं वैसे भी। पहले हमारे कुत्ते को, हमारे पास नेम टैग नहीं है, सॉरी डॉग सॉरी कैट, सैडल भी नहीं है, हम हॉर्स भी नहीं ले सकते, माउंट उस पर कर नहीं सकते अब सैडल की वजह, कुछ भी नहीं। ओके कुछ नहीं, तो बारिश हो रही है, मैंने बहुत कुछ, मैं फिर से भूल गया था, लेक्टन क्राफ्ट करना है हमें। एक बुकशेल्फ लगता है आई थिंक सो, लेक्टन को बुकशेल्फ और स्टिक्स, या फिर भूल गया मैं कैसे करना है। हाँ वुडन स्लैब बुकशेल्फ का मैं बराबर गेस किया। बुकशेल्फ हमारे पास है 6। एक मैंने स्टिकी पिस्टन भी बना लिया है, ये देखो। ओके वो छोड़ो अभी। ओके अभी बुकशेल्फ और क्या था, वुडन स्लैब मेरे पास है। यस तो लेक्टन बना देते हैं, लाइब्रेरियन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे भाई, ऐसे कैसे। ओके मैं विलेज रूम अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, मैं सच्ची में अभी नहीं कर रहा। तो गाइज ये पार्ट सिर्फ क्राफ्टिंग का है, क्योंकि यहाँ पे आप करूँ क्या, आपके सामने एनिमल वगैरह लाओ। तो ए मैं विलेजर से ट्रेड तो करता हूँ ना यार। ओके गाइज मैं अभी ट्रेड करने ही वाला था, पर मुझे एक आइडिया कि क्या
मैं स्ट्रिप माइन करूँ मेरे घर के बाजू में, मुझे चलेगा एक्चुअली। और मैं वो कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स पर, तो मैं अभी लेवल 71 पे हूँ। बाप रे, कब तक पहुँचूँगा मैं लेवल 12? ओके, मैं थोड़ा पॉज करता हूँ फिर, मतलब ए रुको 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 रुको। ओके गाइस, तो मुझे याद आया कि मेरे पास फॉर्च्यून 3 है, पर उसे एन्चांट करने के लिए एनविल लगता है। ओके, एनविल के लिए ब्लॉक ऑफ आयन, ब्लॉक ऑफ आयन। रेसिपी बुक में नहीं दिखा सकते क्या ये? मुझे बोर होता है क्योंकि 1 2 3 हाँ इतने और एनविल हो सकता है गाइस। अभी हमारे पास बहुत आयन है वैसे। एनविल कहाँ पे रखूँ? यहीं पे रख देता हूँ। और अब फॉर्चून यहाँ पे नहीं है रे। फॉर्चून 3 की किताब हमारे इस डायमंड पिकैक्स पर लगने वाली है गाइस। तालियां बजती रहनी चाहिए फर्स्ट एनचांटिंग इस वर्ल्ड में, ओवरऑल नहीं। और मैं इसका नाम रखूँगा मैजिकल कुलाड़ी कुछ भी रख देता हूँ मैं। मुझे नाम रखना मतलब सीरियसली नहीं आता कुछ, मुझे मत जज करो। और हमारी फॉर्चून 3 की पिकैक्स तैयार है गाइस। पिकैक्स नहीं, मैजिकल कुलाड़ी। अब मैं स्ट्रिप माइन शुरू करूँगा। ओके गाइस, मैं अभी के लिए तो यहाँ पे स्ट्रिप माइन शुरू करूँगा। अभी ग्रास ब्लॉक से भी शुरू करना पड़ेगा। मैं शोवेल नहीं बनाता गाइस, सॉरी, मुझे नहीं इसकी आदत। मैं अब लेवल 12 पर ही आपको मिलूँगा, तब तक के लिए इंतज़ार करो। ओके गाइस, मैं केव में गिरा अभी ज़ोर से, मैं बचा। आयन भी बहुत सारा मिला है मुझे स्ट्रिप माइनिंग में नीचे जाते वक्त। गाइस, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ क्या, मतलब एक्सप्लोरिंग स्टार्ट करूँ क्या? मैं बोल रहा लेवल 12 तक जाता है कि लावा भी है गाइस। गाइस डायमंड, गाइस डायमंड दिख रहा है मुझे वहाँ पे दिख रहा है मुझे, क्लियरली दिख रहा है यार। मुझे अब सिर्फ सावधानी से जाना है ना, इतनी मैं ऐसा डायमंड्स बर्बाद नहीं करना चाहता गाइस। एक होगा तो एक होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, वो एक भी अभी बहुत कुछ है मेरे लिए सच्ची। तो अभी मेरे पास 24 है, पर मतलब लेने तो चाहिए ही कभी भी, पर वो अभी भी मेन है मेरे लिए। कुछ भी हो मेन तो है ही। कॉबलस्टोन के ये गया। ओके, अब मैं पहले डायमंड तोड़ के देखूँ। ए नहीं, मैं जस्ट तोड़ने वाला था फॉर्चून 3। यस ओके, मैं पहले पानी को ब्लॉक कर रहा हूँ, बहुत इरिटेट कर रहा है वो मुझे। डायमंड जी, आपका हमारे में स्वागत है। ओ बचा भाई, डायमंड मिला क्या मुझे? नहीं लावा यार, सच्ची में ऐसा ना करियो यार मेरे साथ। अरे यार, ऊपर से डायमंड भी दे दिया, फिर क्यों मेरे साथ ही क्यों? गाइस 1 लाइक, मुझे शांति मिलेगी। मेरा डायमंड जो था एक, क्यों उसके नीचे ही लावा क्यों रखना था? माइनक्राफ्ट वालों क्यों? फॉर्चून ठीक है, एक्सपी तो मिली वैसे। सच्ची में यार, मतलब मजाक चल रहा है ना, मैं स्ट्रिप माइनिंग करूँगा। ओ भाई डायमंड्स मिले गाइस, लाइक ठोक दो क्या, सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरे पास थे 0 डायमंड्स फॉर्चून 3 से मैं तोड़ने। नहीं, अरे मेरे साथ ही क्यों ये हादसे होते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, आ खाना 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 खाना, प्लीज प्लीज भगवान भगवान भगवान। हादसे जो हो रहे हैं ना, बहुत जहरीले हो रहे हैं। आई मीन लावा लावा हरी ओके ये बचे यार, सच्ची में मतलब मजाक नहीं चल रहा है। डायमंड तोड़ रहा हूँ मैं, ऐसे लावा बीच में से आ जाता है। कितने कितने ब्लॉक्स मिले, कितने मुझे 4 आई थिंक सो, 4 ब्लॉक्स मिले ना आई थिंक सो मुझे, और मिले 12 डायमंड। गाइज ये होती है फॉर्चून 3 की पावर। गाइज लाइक ठोक दो यार, मैं अभी सच्ची में मतलब मैं मरता ना तो सीरियसली मुझे ये नहीं मिल पाता।
12 डायमंड्स, मैं अमीर हो रहा हूँ, लिटरली अमीर। ओह मैं बचा क्या अभी? देयर वर 11 डायमंड्स, लावा पूल के मैं जा रहा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अब मैं इस केव में रुकूंगा, आपके सामने फिर से डायमंड्स लेके आऊंगा मिले तो। और अभी के लिए बाय।